आज दिन है शुक्रवार और आज हो गई है रक्षाबंधन की प्लानिंग शुरू। मैं वही कर दी आज अपनी डी प्लानिंग, क्योंकि फिर मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद आज का सही दिन है। कल तो निवार हो जाएगा, फिर अपने जो एक्स्ट्रा काम है और दूसरे वो करूँगी। मैं आज से क्लीनिंग का ही काम करूँगी बस। तो मैं सबसे पहले करूँगी अपना फ्रिज साफ। फ्रिज मेरा बहुत ही गंदा हो रहा है, और किचन साफ करूँगी अपना। तो मैं आज आपको यही सब कुछ व्लॉग में शेयर करूँगी, तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। सरफ का एक कपड़ा है, ये सॉफ्ट वाले जूने से मैं साफ करूंगी इसको गर्म पानी से, और सरफ का जूना मार दूंगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और जो इसमें डस्ट जमा हुआ है ये भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो बस मैं ये अभी साफ कर दूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये टोकरी पर ये देखिए मैंने अंदर से बिल्कुल क्लीन कर दिया है ये सरफ के पानी से, और बिल्कुल साफ हो गया है। ज़्यादा रगड़ने वाली चीज़ से तो नहीं रगड़ना चाहिए, लेकिन हाँ हल्के से जूना भी मारोगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए मेरा फ्रिज भी बहुत क्लीन हो गया है, बाहर भी मैंने सरफ का कपड़ा ही मारा है। और ये मेरे रसोई के डब्बे हैं ये भी साफ कर दिए हैं गर्म पानी से ही किए हैं, गर्म पानी से ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, चमक गए हैं बिल्कुल। और ये जो टोकरी वगैरह सब साफ कर दी है मैंने, तो रसोई की तो मेरी क्लीनिंग हो गई है। और अभी मेरा नहाना रह रहा है, और ये देखिए मैं नहा ली हूँ। और ये मैंने सूट डाला है, ये मेरी मम्मी ने दिया था मुझे सावन के जो सिंदार आता है उसी में मैंने दिखाया नहीं था, मैं दिखाना भूल गई थी, और मैंने ये सिलवा लिया था। तो आज ये मैंने पहली बार पहना है, बताना कैसा लग रहा है। जयपुरी सूट है, मैंने प्लाजो वाला बनवाया है और आज ये पहना है ये मैंने। तो अब भी मैं आपको दिखाऊँगी जो मैंने शॉपिंग की थी अपने नंदों के लिए और जो लड़कियां आएंगी उनके लिए, तो वही दिखाऊंगी मैं। और साथ के साथ मैं उनके लिए पैक भी करके रख दूंगी, फिर बाद में तो टाइम नहीं मिलता है क्योंकि घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी मैं वो आपको साथ के साथ दिखा भी दूंगी और उनके लिए पैक भी करके रख दूंगी, क्योंकि अब काम मेरा सारा हो गया है, खाना पीना क्लीनिंग का सब हो गया है। और टाइम हो रहा है 3 से 4 बज रहे हैं शाम के। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अपने बुआ सास के लिए लिया है, कॉटन का सूट है ये, कॉटन की चुन्नी। और ये मेरे जेठ की लड़की आएगी जो, उसके लिए लिया है। और ये भी मेरी एक नंद आती हैं, वो सिंगल हैं मतलब उनके हस्बैंड नहीं हैं, उनके लिए लिया है मैंने लाइट कलर का। और ये वाला मैंने लिया है अपनी जेठ की बेटी का, छोटी बेटी उसकी शादी नहीं हो रही है उसके लिए। और जो ये वाइट कलर का दुपट्टा है ये मैंने वंशिका के लिए लिया है सूट, अब की बार वंशिका ने भी बोला है कि मम्मी मेरे लिए भी सूट बनवाओ, तो ये मैंने उसके लिए सिलना डाल दिया है। बस दुपट्टा है, मैं वही दिखा रही हूँ, जब सिल के आएगा और वंशिका पहनेगी राखी वाले दिन तो मैं दिखाऊँगी आपको। और यही बस पैंट ब्लूजर का जोड़ा लगा के मैं इनके ऊपर रख दूँगी पैक कर करके, और साथ के साथ जब नहीं होता है जब कोई आ जाता है। और ये मैंने बेड शीट लिए हैं दो राखी पे बिछाने के लिए, मैंने सोचा चलो एक राखी के लिए ले लेंगे और आगे फिर कोई और फंक्शन फेस्टिवल आएगा तो मैं उस पर बिछा दूँगी, जैसे दिवाली अब तो काफ़ी त्यौहार आएंगे। तो मैंने लिए राखी के लिए बेड शीट भी ली है। तो यही है बस मेरी एक छोटी सी शॉपिंग, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। तो जो अब घर में इतने सारे कपड़े तो नहीं रखे रहते हैं, लेकिन हम जब भी कोई आता है साथ के साथ ही खरीद के देने पड़ते हैं। तो बस यही हो गई है हमारी रक्षाबंधन की शॉपिंग, और मैं इनको अभी जिसको भी देना है उसी हिसाब से उनके लिए पैक कर करके रख दूंगी। जो शादीशुदा हैं और फूफस वगैरह हैं उनके ऊपर जोड़ा रख के दूँगी मैं, ऐसे खाली सूट नहीं देते हैं। और वो जेठ की बेटी आएगी उसके लिए भी, तो मैं सबके लिए ऐसे ही पैक कर करके रख दूँगी। बस जब आएंगे तो देने का ही काम रह जाएगा, ना ढूंढने वगैरह कुछ नहीं पड़ेंगे, एक साइड उठा के रख दूँगी मैं इनको पैक करके।
मेरी पैकिंग हो गई है सारी, मैंने रख दिए हैं सब। और ये जोड़ा मैंने अपने जेठ की बेटी का बेटा है, छोटा सा अभी हुआ है, वो 1 साल का हुआ है अभी, पिछले जन्माष्टमी पे हुआ था, उसके लिए लिया है क्योंकि वो भी आएगा। और एक उसके लिए एक तौलिया और एक जोड़ा लिया है मैंने। और रक्षाबंधन पे जाने का अब की बार कोई प्लान नहीं है हमारा, सोच रहे हैं कि अब की बार ना जाए क्योंकि मेरा भाई बड़े वाला भी यहीं पे ही आ जाता है और मेरी भाभी का माई का भी यहीं पे ही है तो वो भी आती है यहीं पे ही, और छोटे वाला भाई भी मेरा यहीं पे काम करता है। तो हमने सोचा कि क्या करेंगे, तो मेरे दोनों भाई यहीं पे ही आए हैं राखी बंधवाने के लिए। और आज शनिवार है, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो दोनों भाई आए थे, तो हम ऐसे ही थे घर में, बस वो अचानक से आ गए, पता नहीं था हमें कि वो आने वाले हैं। और फिर बोलने लगे कि चलो राखी बांध दो, तो हमने उनको राखी बांध दी शनिवार को ही, और चाय पानी सब हमारा हो गया है, राखी ही बांध रहे हैं हम, दोनों भाइयों के बांध दी है। मिठाई वगैरह तो कुछ भी नहीं थी घर में, अचानक से ही आ गए और ना ही हम इतनी जल्दी मंगवा पाए। तो फिर हमने चॉकलेट मंगवा ली थी, वही एक दूसरे को खिला के रखी मना रहे हैं बहन भाई हम आपस में, और चॉकलेट ही खाई थी बस, वही मंगवाई है। और मिठाई फिर बाद में दे देंगे जब ये जाएंगे गाँव, अभी तो यहीं पर ही हैं। मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, ये मेरे घर का वीडियो है मायके का, कल का ही शनिवार का, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ा अचानक से। तो ये है मेरा घर, वहाँ पे आई हूँ मैं, और शनिवार है आज, कोई प्लान नहीं था, हम मना ही कर रहे थे कि नहीं जाएंगे। ये मेरी मम्मी हैं और हम दो तीनों बहन आई हैं यहाँ पे अपने पापा को देखने के लिए, तो एकदम से अचानक प्लान बन गया। और जैसे सोचते हैं कि भाई नहीं जाएंगे तो जब तो ज़रूर, अभी पहली बार हमने ऐसे सोचा था कि हम राखी पे अपने घर नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जाना पड़ गया। देखो भगवान ने जैसे तैसे करके खुद ही बुला लिया, अभी भगवान भी नहीं चाहता कि हम राखी पे अपने घर ना जाएँ। ऐसा पहला चांस हुआ था कि हम सोच रहे थे कि हम नहीं जाएँगे, और ये हम आ गए राखी पे अपने घर। ये मेरी भाभी हैं, और बस थोड़ी ही वीडियो बना पाई मैं, ज़्यादा नहीं बनाई मैंने वीडियो। और मेरा जो छोटा भाई है वहाँ पे, कल जो परसों राखी बंधवाने आया था, वो अभी मम्मी सबके हमने भैया के तो राखी बांध दी थी, और मम्मी बोल रही थी कि मेरे भी राखी बांध दो, तो हमने अपनी मम्मी को भी राखी बांध दी है, और भाभी और रह रही थी भाभी को भी राखी बांध दी है। अब हमने सोचा कि चलो आ तो रहे हैं, तो अब ये राखी भी कर लेते हैं अपनी। तो बस हमारी राखी भी हो गई हैं, और मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।